हेलो बच्चों, तो लास्ट वीडियो में अपन ने जो डिस्कस किया था बच्चों, वहां पर मैंने आपको चार्ज के बारे में बता दिया था, चार्जिंग के बारे में डिस्कस किया था, तीन मेथड्स हमने डिस्कस किए थे, और लास्ट में जाकर के मैं दो तीन सवाल आपको दे करके चला गया था कि कुछ एक पर्टिकुलर आपको बोला था मैंने कि शायद चार्ज की यूनिट क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है, चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है या वो वेक्टर है ना, ये मैंने आपसे पूछा था। और मेरे को बहुत खुशी है कि कुछ एक बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप पर रिप्लाई किया। थैंक यू बच्चों, वीडियोस को इसी तरीके से देखने के लिए थैंक यू। आप चाहें तो वो रिप्लाई आप कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। ओके, तो वही डिस्कस करेंगे आज अपन। सबसे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे उसका रिप्लाई मैं कर देता हूं। तो सबसे ये टॉपिक ही मान लीजिए, अपना नेक्स्ट टॉपिक लिख लेता हूं मैं, यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, ये ध्यान में रखिएगा। ये अगर आपने वीडियो वो तरीके से देखा है तो मैंने बहुत वो न्यूमेरिकल कर रहे थे ना, तब उसके अंदर यूज किया था कुलाम। क्या है कुलाम? कुलाम वाज द साइंटिस्ट। तो इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो कैपिटल सी से होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, दैट इज एस आई यूनिट। अब डायमेंशन की बात करते हैं, तो डायमेंशन बच्चों फॉर्मूला से बनती है। और मैंने आपसे ये भी पूछा था कि चार्ज जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है, डेराइव्ड क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए बच्चों, सात ही फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, है ना, इनके अलावा और कोई फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। अब फंडामेंटल क्वांटिटी करंट है बच्चों, क्या है? करंट आई। ठीक, और आई इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? क्यू डिवाइडेड बाय टी। ये 10th में आपने पढ़ा है ना, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम अपन हम बोलते हैं। ठीक, चार्ज थ्रोन इनटू पर यूनिट टाइम। ओके, तो यहां से अगर मैं क्यू का फॉर्मूला निकालता हूं तो क्यू विल बी आई इनटू टी। ठीक है, सो द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज क्या होगा? तो देखिए, चार्ज का फॉर्मूला क्या बना? करंट इनटू टाइम। करंट की डायमेंशन क्या होती है बच्चों? एम्पियर का ए आ जाएगा, और टाइम का क्या आ जाएगा? टी, कैपिटल टी। डायमेंशन में तो यही होगा, तो ए टी लिख सकते हैं या फिर ए वन टी वन लिख सकते हैं, बोथ आर एक्यूरेट टू करंट। ठीक है, फिर इसके बाद में दूसरा पॉइंट है हमारे पास में, हाँ, चार्ज के लिए एक और यूनिट यूज कर सकते हो आप इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, एम्पियर इंटू सेकेंड, ए एस। ठीक है, एम्पीयर इनटू सेकंड भी यूज की जा सकती है, लेकिन हम कूलाम ही यूज करेंगे। फिर सीजीएस यूनिट की बात करते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर सीजीएस यूनिट जो है वो इसकी है बच्चों, सबसे पहला अपन मान सकते हैं इसे ई एस यू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, ई एस यू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसे फ्रैंकलिन भी बोल सकते हो आप। फ्रैंकलिन भी किसकी यूनिट है? सीजीएस यूनिट है चार्ज की बच्चों। और फ्रैंकलिन हो गया, ईएसयू हो गया, और इसे स्टेट कूलाम भी बोलते हैं। ठीक है, और ये तीनों एक ही चीज है, आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, आप फ्रैंकलिन यूज कर सकते हैं, आप ईएसयू यूज कर सकते हैं, आप स्टेट कूलाम यूज कर सकते हैं। ठीक, एंड देयर इज अ रिलेशन बिटवीन सीजीएस यूनिट एंड एसआई यूनिट। ठीक है, इन दोनों के बीच में बच्चों एक रिलेशन भी है, वो रिलेशन क्या है? तो ध्यान रखिएगा, 1 कूलाम इज इक्वल्स टू 3 × 10⁻⁹ ई एस यू, या फ्रैंकलिन या फिर स्टेट कूलाम, इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए, 1 कूलाम इज इक्वल्स टू कितना होता है? 3 × 10⁻⁹ ई एस यू होता है। इसका मतलब हमें क्या लगा? इसका मतलब ये है, द यूनिट कूलाम इज वेरी लार्ज, ये बात ध्यान रखिए, बहुत बड़ा यूनिट है ये चार्ज का, छोटा यूनिट नहीं है। तो सबसे छोटा यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है बच्चों? ईएसयू है, ये बात ध्यान में रखिए। ठीक है, फिर इसके बाद में थर्ड सीजीएस यूनिट ही है, बट इट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फैराडे। एंड देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन फैराडे एंड कूलाम। फैराडे बहुत बड़ा है, देखो अभी आपको पता चल जाएगा, 1 फैराडे
इज इक्वल्स टू 96,500 गुलाम, ठीक है। वन फैराडे इज इक्वल्स टू 96,500 गुलाम, इसका मतलब बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है। फिर एक जो हम यूज नहीं करेंगे लेकिन आप चाहें तो अपने नॉलेज पर्पस के लिए दिमाग में रख सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक है। सीजीएस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट भी है चार्ज की, दैट इज ईएमयू, है ना। एक और यूनिट है चार्ज की, क्या बच्चों, ईएमयू, जिसे एब कुलाम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब कुलाम, ठीक है। एंड देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एब कुलाम एंड कुलाम आल्सो, क्या है भाई, वन ईएमयू, इसका मतलब वन एब कुलाम इज इक्वल्स टू 10 कुलाम, इसका मतलब ये भी एक बड़ी यूनिट है, है? लेकिन आपको दिमाग में क्या रखना है एग्जाम पर्पस से, फर्स्ट ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज दैट इज कुलाम ही लिखना है, आप स्टेट कुलाम नहीं लिख करके आएंगे। अगर एग्जाम में आता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज, दैट इज कुलाम फॉर यू, ठीक है। फिर सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज इज फ्रैंकलिन, स्टेट कुलाम और ईएसयू। फिर रिलेशनशिप बिटवीन सीजीएस एंड एसआई यूनिट, दैट विल बी 1 कुलाम इज इक्वल्स टू 3 इनटू 10 टू द पावर 9 ईएसयू। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज दैट इज A1T1, और ये अगर पूछा नहीं जाएगा इसका मतलब ये नहीं है कि ये कहीं यूटिलाइज नहीं हो रहा, आगे आने वाले हर एक चैप्टर के अंदर आपको ये जो डायमेंशन फॉर्मूला है या फिर ये जो यूनिट्स है वो यूटिलाइज होती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो तरीके से ये बेसिक चीज है जो हमेशा दिमाग में रहनी ही चाहिए, ठीक है। एंड द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज 1 फैराडे, दैट इज 96,500 कूलम, ठीक है। ओके, ये याद रख सको तो बहुत बढ़िया, नहीं याद रखोगे तो भी अपना तो काम चल जाएगा, 12th पर्पस में पढ़ रहे हैं तो काम चल जाएगा, ठीक है। ओके, सो पता चल गया। फिर चार्ज कैसी क्वांटिटी बच्चों, तो वहां पर देखो बच्चों, करंट यहां से बढ़ रहा है ना, ये चार्ज करंट स्केलर क्वांटिटी है, टाइम अगेन स्केलर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें स्केलर क्वांटिटी से, यू विल गेट द स्केलर क्वांटिटी अगेन। सो चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, ऑलराइट, it is scalar as well as it is derived, it is not fundamental, ठीक है। derived and scalar quantity। अब इसके बाद में some important points related to charging, कुछ एक ऐसा point है जो charging के through हमें पता चलते हैं या charge के लिए हमें पता होने चाहिए, क्या। तो एक आध चीज तो अपन ने discuss की है बच्चों, important points related to charging or charge, देखें सबसे पहला, what is the reason of charging, क्या होता है आपको पता होना चाहिए reason of charging। किसी भी ऑब्जेक्ट के चार्ज होने का मतलब पॉजिटिवली चार्ज होने का और नेगेटिवली चार्ज होने का रीजन क्या है, हम एक ही चीज बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर आप बोल सकते हो इम्बैलेंस, इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे या इलेक्ट्रॉन कम होंगे, किसके कंपैरिजन में, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के कंपैरिजन में, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं। दूसरा, जब भी हम चार्जिंग की बात करते हैं, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही शायद ये बता दिया होगा कि जब हम पॉजिटिव चार्ज बॉडी की बात करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी कब बनती है, जब उससे इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकलता है, अ बॉडी व्हेन इमिट इलेक्ट्रॉन्स इट विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो इलेक्ट्रॉन के साथ में उसका मास भी चला जाता है बच्चों, मास भी ट्रांसफर हो जाता है, दूसरे जगह चला जाता है जहां पर इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है। तो इसका मतलब उसके मास में क्या आता है, डिक्रीज हो जाता है उसका मास एक्चुअल मास से, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मास न्यूट्रल बॉडी से क्या होता है, स्लाइटली कम होता है, ठीक है। इसी तरीके से जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है, गेन करती है, तो जितने उसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट या गेन किया उतने ही उसने उसका मास, इलेक्ट्रॉन्स के मास को भी एक्सेप्ट और गेन किया, ठीक है। इसका मतलब उसका मास जो है वो थोड़ा सा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया विद रेस्पेक्ट टू द न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर हम दो स्पेयर्स की बात करें, ठीक है, तो एक स्पेयर मान लो, चलो ये हमारे पास में एक स्पेयर है,
ठीक, दैट इज न्यूट्रल दिस टाइम। फिर इसी स्पेयर को हमने पॉजिटिवली चार्ज किया और इसी स्पेयर को हमने नेगेटिवली चार्ज किया, मतलब एक बार इसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला और एक बार इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए। ठीक है, तो क्या होगा? तो हमने बोला मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्क्वायर इज लेसर देन द मास ऑफ न्यूट्रल स्क्वायर, एंड द मास ऑफ न्यूट्रल स्क्वायर इज कंपेरेटिवली लेसर देन द मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज स्क्वायर। इसका मतलब सबसे ज्यादा मास किसका होगा? नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट का होगा विद कंपैरिजन टू न्यूट्रल, और पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट का मास न्यूट्रल के कंपैरिजन में कम होगा। ठीक है, ये चीज भी हमें दिमाग में रखनी है। चार्ज के ट्रांसफर के साथ में मास का भी ट्रांसफर होता है। ठीक, दैट विल बी सेकेंड पॉइंट। तीसरा, थर्ड पॉइंट, अब ये क्या है? तो बच्चों कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज्ड है या फिर न्यूट्रल है कैसे पता चले, कैसे हम पता चले? ठीक, तो ये बात ध्यान में रखना, रिपल्शन इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, अगर कोई भी बॉडी इलेक्ट्रिफाइड है मतलब चार्ज्ड है तो उसका कैसे पता लगाया जा सकता है? सिर्फ और सिर्फ रिपल्शन से ही पता लगाया जा सकता है, अट्रैक्शन वाले फिनोमिना से नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते वो समझिए एक बार के लिए। तो ये यहाँ पर हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है न्यूट्रल, समझना इस चीज को, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट के पास में ले रहा है। ठीक है, क्या होगा? इसके पॉजिटिव चार्ज के कारण इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे और उसका पॉजिटिव चार्ज इधर चला जाएगा। दैट इज इंडक्शन, प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। अब ये पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, तो ये ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट हो जाएगा, जबकि ये था क्या? न्यूट्रल था। इसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को आप नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट के पास में लेकर के आओ, क्या होगा? तो नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट के पास में लेकर के आएंगे तो इस तरफ तो आ जाएंगे प्लस और इस तरफ क्या आ जाएंगे? माइनस आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिपेल्ड, तो दूसरी तरफ फर्दर एंड की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो ये सोचो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? वापस से अट्रैक्ट करेगा वापस। दोनों केस के अंदर हमने न्यूट्रल बॉडी को जब चार्ज बॉडी के साथ में लेकर के आ गए, दोनों ही केस में अट्रैक्शन हो रहा है, जबकि थी बॉडी कौन सी है? न्यूट्रल थी। लेकिन लेट्स सपोज करो अगर ये बॉडी चार्ज थी, कोई सा भी चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज। लेट्स सपोज करो अगर वो पॉजिटिवली चार्ज होती तो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और उसको पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के पास में लेकर आ रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों? रिपेल करेंगे। वापस से वही पॉजिटिवली चार्ज बॉडी उसको नेगेटिवली चार्ज बॉडी के पास में लेकर आएंगे तो ये क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रल बॉडी एंड अ चार्ज बॉडी? तो हमने बोला कि सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज थी जिसके अंदर ये अलग चीज दर्शा रहा था, शो कर रहा था, दैट इज रिपल्शन। ठीक है, वो रिपेल हो रही थी। एक चार्ज बॉडी किसी ना किसी केस में रिपेल जरूर होगी, जबकि एक न्यूट्रल बॉडी हर एक केस में क्या होगी? अट्रैक्ट होगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं द श्योरर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन और चार्ज ऑब्जेक्ट इज रिपल्शन। ठीक है, रिपल्शन इज द शॉर्ट टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, फिर फोर्थ वन। अब इसके बाद में देखिए, किसी भी बॉडी को चार्ज है या अनचार्ज है इसके लिए कुछ एक इंस्ट्रूमेंट भी बनाए गए हैं टू डिटेक्ट द चार्ज, है ना, वेदर देयर इज चार्ज और नॉट। ठीक है, इस चीज को प्रेजेंस, चार्ज की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए कुछ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स हैं और वो इंस्ट्रूमेंट्स के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। सो इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ चार्ज कौन कौन से हैं, मैं दो तीन के नाम लिख देता हूं। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोस्कोप, जो हम पढ़ेंगे भी। सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोमीटर,
थर्ड वन इज वोल्टामीटर। वोल्टामीटर है, ध्यान में रखिएगा, इट इज नॉट वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, बट वोल्टामीटर चेक वेदर देयर इज द बॉडी इज चार्ज्ड और नॉट, ठीक है। एंड लास्ट वन इज बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया है? इलेक्ट्रोस्कोप और गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप हम पढ़ने वाले हैं, दैट विल बी द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप या फिर इलेक्ट्रोस्कोप लिख लीजिए, इलेक्ट्रोमीटर, वोल्टामीटर एंड बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर आर यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। एंड द लास्ट वन, फिफ्थ पॉइंट, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज आपको नोट्स के लिए लिंक दे दूंगा मैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तो आप वहां से नोट्स एक साथ उतार सकते हैं। अदरवाइज अभी इन चीजों को आप उतारते हुए चलें, ठीक है। ये शॉर्ट नोट जो है ये आपके हमेशा काम आएंगे याद रखने में। फिर ओके, फिफ्थ वन देखिए, इस वाले पॉइंट में एक्स रेज की बात की गई है जिनकी वेवलेंथ जो है 0.1 एंगस्ट्रॉम टू 10 एंगस्ट्रॉम के बीच में, ठीक है। एंगस्ट्रॉम, व्हाट इज एंगस्ट्रॉम? इट इज 10 टू द पावर -10 मीटर, की बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10 टू द पावर -10 मीटर होता है, ठीक। तो अगर किसी मेटेलिक सरफेस पर, आप समझना इस चीज को क्या पॉइंट है, अगर किसी मेटेलिक सरफेस के ऊपर एक्स रेज इंसिडेंट होती है, हायर एनर्जी एक्स रेज इंसिडेंट हो रही है, ये एक्स रेज है, ठीक है, जिनके लिए वेवलेंथ गैप हमें दे रखा है। जैसे ही इस मेटेलिक सरफेस के ऊपर ये एक्स रेज आती है, इस मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या हो जाता है? इमिट हो जाता है, बाहर की ओर निकल जाता है। अब सोचो कि एक्सरेज के आने से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर निकल रहा है तो ये मेटेलिक सरफेस पॉजिटिवली चार्ज होगी या नेगेटिवली चार्ज होगी, पता चल जाना चाहिए। सिंपल सा था, कैसी चार्ज होगी? पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, ठीक है, इट विल बी पॉजिटिवली चार्ज, डन। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, दैट इज द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट नोट। Is if X rays incident on a metallic surface, electron get emitted from that metallic surface. This shows that the metallic surface become positively charged. ठीक है, ये दिमाग में रह जाएगा। चलिए, तो ये इतना ही था इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इनडायरेक्टली पूछ लेते हैं बच्चों, एक एक नंबर के सवाल आ ही जाते हैं, ठीक है। तो इनमें से पूछ सकता था वो, ये वाला पॉइंट थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, ये ध्यान में रखिएगा। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। मैं आपको बोलूंगा सिर्फ और सिर्फ डायग्राम दिमाग में रखें, एंड व्हाट इज द यूज ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप वो ध्यान में रखें, इसे ज्यादा दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। रीजन क्या है बच्चों, एक दो नंबर का सवाल देकर के वो अपनी यूनिट को खराब नहीं करने वाला, ठीक है। तो बहुत कम चांसेस हैं कि वो आपको एक बड़ा सवाल गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर दे दे, तो एक नंबर के सवाल के अकॉर्डिंग आप उसे याद रख सकते हैं। तो जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ वो आप तरीके से याद रख लीजिएगा, किसमें? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, GLE। तो एक लाइन जो हमें दिमाग में रखनी है, इसका यूज क्या है? टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। तो हमने लिखा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज अ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, ठीक है, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। वैसे इसका यूज जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस को भी कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है, लेकिन अभी अपन सिर्फ और सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे कि इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, देयर इज अ ग्लास जार, इसमें एक ग्लास जार है बच्चों, ठीक है, एंड
इन द ग्लास जार इट कंटेन्स अ वर्टिकल मेटेलिक रोड. यहां पर एक वर्टिकल मेटेलिक रोड है बच्चों, हुज लोअर एंड इज कनेक्टेड टू टू गोल्ड थिन स्ट्रिप्स. यहां पर ये जो दो स्ट्रिप लगी हुई है, दीज आर गोल्ड लीव्स. ठीक है, आप इसे गोल्ड स्ट्रिप भी बोल सकते हैं. ये क्या है, गोल्ड फॉइल स्ट्रिप्स है. ठीक है, आप इसे गोल्ड फॉइल लीव्स भी कह सकते हैं. चलिए, और ये क्या चीज है, इट इज मेटेलिक रोड, वर्टिकल मेटेलिक रोड. नाउ The upper end of this vertical metallic rod is connected to a circular metallic disc. और ये क्या है? Metallic disc. And here we have cork to pack that glass jar. It is cork. कॉर्क क्या आता है, आपने देखा होगा बहुत सारी बॉटल्स में ऊपर जो कैप आती है ना बच्चों, वो या तो रबर की आती है या फिर वो वुड की आती है. ठीक है, आपने देखा होगा, दैट इज कॉर्क एंड इट इज अर्थिंग पॉइंट हियर. ओके, अब क्या होता है वो समझिए. अगर इस मेटेलिक डिस्क के कांटेक्ट के अंदर किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को लेकर गया है, कौन से ऑब्जेक्ट को लेकर गया है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को, मैं कौन सा प्रोसेस बोल रहा हूँ, चार्जिंग बाय कांटेक्ट की बात कर रहा हूँ या चार्जिंग बाय कंडक्शन की बात कर रहा हूँ. बिल्कुल टच होने चाहिए मेटेलिक डिस्क और वो ऑब्जेक्ट जिसको टेस्ट करना है कि वो पॉजिटिवली चार्ज है या फिर नहीं है. ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि लेट्स सपोज करो हम एक ऐसा ऑब्जेक्ट लेकर के आ गए. यहाँ पर ऑब्जेक्ट को लेकर के आए, ऑब्जेक्ट को लाने पर हमने देखा कि ये जो गोल्ड फॉइल्स है ना, ये इनके मिड में ये कुछ ना कुछ डिस्प्लेस्ड है, थोड़ी बहुत ऐसा डिस्प्लेस्ड है. ठीक है, और जैसे ये कांटेक्ट में लेकर के आए, इनके मिड का डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हुआ, इनके मिड का डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, दीज आर एज इट इज एज प्रीवियस. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो आप ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्ट में लेकर के आए थे किसके साथ में, मेटेलिक डिस्क के साथ में, दैट इज न्यूट्रल. ठीक है, ये कैसा ऑब्जेक्ट है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है. बट इफ दिस ऑब्जेक्ट इज चार्ज्ड, देन द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज विल बी प्रेजेंट एट द एंड्स ऑफ गोल्ड फॉइल. है ना, वो चार्ज ट्रांसफर होगा मेटेलिक डिस्क से होता हुआ मेटेलिक रॉड में, मेटेलिक रॉड से होता हुआ कहां तक, गोल्ड फॉइल स्ट्रिप में जाएगा. ठीक है, अब क्या होगा, सेम नेचर ऑफ चार्ज विल बी देयर. ठीक है, सेम नेचर का चार्ज अगर यहाँ पर आ गया तो सेम नेचर का चार्ज बच्चों एक दूसरे को रिपेल करता है, ये बात ध्यान रखना. एक प्लस का चार्ज दूसरे प्लस के चार्ज को रिपेल करेगा, एक नेगेटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, तो यहाँ पर सेम नेचर का चार्ज आ गया, सेम नेचर का चार्ज होने के कारण वो रिपेल करेंगे एंड द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द गोल्ड फॉइल विल इंक्रीज. पहले ऐसे थी, अब ये क्या हो जाएंगी, थोड़ी डिस्प्लेस हो जाएंगी. ठीक है, तो ये पता चला जैसे ही गोल्ड फॉइल डिस्प्लेस होगी वैसे हमने बोल दिया कि यस इट इज अ चार्ज बॉडी. ठीक है, और जितनी ज्यादा गोल्ड फॉइल डिस्प्लेस होंगी हमें पता चलेगा कि द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज हायर. ठीक है, अगर यहाँ पर चार्ज ज्यादा है तो ये डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, अगर यहाँ पर चार्ज कम है तो ये डिस्प्लेसमेंट कम होगा. ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द गोल्ड फॉइल्स गेट चेंज देन द ऑब्जेक्ट व्हिच इज इन कांटेक्ट विद मेटेलिक डिस्क विल बी चार्ज्ड. इफ द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द गोल्ड फॉइल स्ट्रिप्स इज अनचेंज्ड देन द ऑब्जेक्ट व्हिच इज इन कांटेक्ट विद मेटेलिक डिस्क विल बी न्यूट्रल. बस इतना सा था, काम खत्म. ठीक है, समझ में आ गया होगा, ये बहुत सिंपल सा था बच्चों. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास में है और अब बहुत मजा आने वाला है. अब अपन बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की. किसकी बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. अब
अब कुछ चार पांच पॉइंट हैं, अच्छे से समझिए, एग्जाम के पर्पस से दीज आर रियल इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, और जो चीजें हमें पता है चलो डिस्कस करते हैं। चार्ज 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 क्या? स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो हमने लिखा चार्ज कैसी क्वांटिटी है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और क्या पता है ना? और क्या पता है? अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया था? कि सेम चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्ज है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो हमने बोला लाइक चार्ज, लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, रिपेल, बट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। ठीक है, पता चला। चलिए थर्ड वन। अब थर्ड वन के अंदर पॉइंट लिख रहा हूं मैं, एडिटिव नेचर या एडिटिविटी आप लिख लीजिए, एडिटिविटी विटी ऑफ चार्जेस। व्हाट इज एडिटिविटी ऑफ चार्जेस? बहुत ही सिंपल है। देखो क्या होगा, लेट सपोज करो कि हमारे पास में एक क्लोज सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? क्लोज सिस्टम है। हमने बोला कि ये हमारे पास में एक सिस्टम है, और इस सिस्टम के अंदर अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग चार्जेस हैं। जैसे यहां पर हमने माना प्लस का Q1 चार्ज है, इस वाले पॉइंट के ऊपर अपने माना माइनस का Q2 चार्ज है, इस वाले पे माना माइनस का Q3 चार्ज है, इस वाले पे Q4 चार्ज है, इस वाले पे Q5 चार्ज है। देन व्हाट विल बी द टोटल चार्ज ऑफ दिस क्लोज्ड और आइसोलेटेड सिस्टम? ठीक, तो हम बोलेंगे इट विल बी द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस प्रेजेंट एट ईच पॉइंट। ठीक है, तो हमने बोला क्या भाई, टोटल चार्ज ऑफ दिस आइसोलेटेड सिस्टम विल बी एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस। अब एल्जेब्रिक सम का मतलब, अगर प्लस का चार्ज है तो प्लस का लो, और अगर माइनस का चार्ज है तो माइनस का लो। तो मतलब Q1 माइनस का Q2 माइनस का ही Q3 लोगे, प्लस का Q4 लोगे और Q5 लोगे। ठीक है, सो द टोटल चार्ज ऑफ एनी आइसोलेटेड और क्लोज सिस्टम विल बी एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इनटू दैट सिस्टम। ये बात ध्यान रखना, दैट इज एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस। ठीक है, समझ में आ गया? अब सोचो कि अगर कोई सिस्टम ऐसा हुआ, और इस सिस्टम के अंदर यहाँ पर 10 माइक्रो कूलाम प्लस का है, ठीक है, और यहाँ पर 10 माइक्रो कूलाम जो है वो माइनस का है, तो टोटल चार्ज कितना होगा बच्चों? 10 माइक्रो कूलाम प्लस का, 10 माइक्रो कूलाम माइनस का, ऐड कर दो, 10 माइनस 10 विल बी जीरो, सो द टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम बिकम जीरो। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। और ये यहाँ पे माइक्रो आ रहा है चार्ज के साथ में, इसका मतलब क्या है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि चार्ज जो है वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, 1 कूलम जो है वो सॉरी बड़ा होता है, तो इसके लिए जो नॉर्मली यूज किया जाता है दैट इज माइक्रो कूलम। माइक्रो का मतलब कितना होता है? 10 की पावर -6 कूलम, है ना। नैनो कूलम यूज करते हैं, नैनो कूलम मतलब 10 की पावर -9 कूलम यूज किया जाता है। आप मिली कूलम यूज कर सकते हो, मिली कूलम कितना होता है? 10 की पावर -3 कूलम होता है। पीको कूलम भी यूज किया जाता है, पीको मतलब 10 की पावर -12 कूलम। ठीक, नॉर्मली माइक्रो और नैनो कूलम आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, मोस्टली आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो एडिटिव नेचर पता चल गया, व्हाट इज एडिटिव नेचर, है ना, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस। ठीक, अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, फोर्थ वन। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, अब ये क्या है? तो चार्ज कंजर्वेशन ला भी आप बोल सकते हो ये पॉइंट। और चार्ज कंजर्वेशन ला क्या है? तो देखो बच्चों, जितने भी कंजर्वेशन ला है उनका एक बेसिक मोटो होता है, या उनको इसी तरीके से लिखते हैं, वो क्वांटिटी ना तो क्रिएट कर सकते हो ना ही उस क्वांटिटी को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ये बेसिक फॉर्मेट है, वो क्वांटिटी हमेशा कंजर्व रहती है। तो जब हम बोलते हैं चार्ज कंजर्वेशन ला, तो इन्हीं चीजों को बना दो। कैसे? चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड।
ठीक है, बात पता चल गई। तो ये लाइन आपके पास में फिक्स हो गई, किसकी? चार्ज कंजर्वेशन की, कि ना तो चार्ज को अपन क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बट चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, चार्ज को क्या किया जा सकता है? ट्रांसफर किया जा सकता है। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड और कॉन्स्टेंट। इसका मतलब क्या है? किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है ना, वो हमेशा क्या रहता है? कंजर्व्ड रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं कर सकते हैं। जितना शुरुआत में था उतना का उतना बाद में भी रहेगा। इसका अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं बच्चों, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन आप उठा सकते हो, एक्स वाई जेड कोई से भी केमिकल रिएक्शन उठा लो, सब फॉलो करेंगे इस चीज को। तो जैसे एक सिंपल सा लेते हैं, आपने ये इक्वेशन पढ़ रखी होगी, 2H2+O2 इज इक्वल्स टू 2H2O। ठीक है, चलिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अंदर अपन बेसिक मानते हैं एक इलेक्ट्रॉन होता है या एक प्रोटॉन होता है। चलो प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन से काम करते हैं। ठीक, तो एक हाइड्रोजन के पास में एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन मान लो। ठीक, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2 × 2 दैट विल बी 4। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, एटॉमिक नंबर 8 है, इसका मतलब इसके पास में कितने प्रोटॉन या कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो हमने बोला कि इसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, सो बिफोर द रिएक्शन, ठीक है, कितना चार्ज है इसके पास में? तो 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर हैं, 16 इलेक्ट्रॉन यहां पर हैं, दैट विल बी 20 इलेक्ट्रॉन्स बिफोर रिएक्शन। ठीक है, आफ्टर द रिएक्शन देखिए, टू तो ऐसा का ऐसा, एक हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन, और कितने हाइड्रोजन? 2, तो 2 × 1e। फिर ऑक्सीजन यहां पर एक दिख रहा है, ऑक्सीजन के पास में कितना होता है? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 8 प्रोटॉन होते हैं? देखो भाई, 2 इलेक्ट्रॉन + 8 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड विद 2, दैट विल बी 10 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड विद 2, दैट विल बी 20 इलेक्ट्रॉन्स। तो 20 इलेक्ट्रॉन इनिशियली थे, 20 इलेक्ट्रॉन बाद में भी हैं, इसका मतलब क्या है? चार्ज तो कंजर्व है। ठीक है, चाहे इसको ऐसा लिखो चाहे इसको ऐसा लिखो, चार्ज तो टोटल सेम ही रहने वाला है, ये बात ध्यान में रखना। तो वापस से इसकी थ्योरी दिमाग में रखो, क्या है थ्योरी? द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड और कॉन्स्टेंट। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नैदर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये दिमाग पे रहेगा। अब ये चार्ज कंजर्वेशन ला दिया किसने था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। किसने दिया बच्चों? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया है, एंड देयर इज नो एक्सेप्शन ऑफ दिस लॉ। दुनिया में इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है बच्चों, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब इस चार्ज कंजर्वेशन लॉ के अंदर ही एक अलग से रिएक्शन जो है वो ध्यान में रखिएगा, एनिहिलेशन प्रोसेस है हमारी बुक के अंदर, पेयर फॉर्मेशन एनिहिलेशन प्रोसेस। एनिहिलेशन प्रोसेस में क्या होता है बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन अपने एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन क्या है? इट इज द एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके साथ में रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करके दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और फोटोन पार्टिकल को बाहर निकाल देते हैं। ये फोटोन को बाहर निकाल दिया, एंड द एनर्जी ऑफ दैट फोटोन इज 1.02 MeV, दैट इज गामा पार्टिकल। ठीक है, दैट इज एनिहिलेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, ये ध्यान में रखिएगा, शुरुआत में भी इस प्रोसेस के अंदर टोटल चार्ज देखो, एक प्लस का इलेक्ट्रॉन, सॉरी एक प्लस का इलेक्ट्रॉन, एक माइनस का इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन क्या होता है? प्लस का इलेक्ट्रॉन आप बोल सकते हो, आप उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है ना? तो ये प्लस का और ये माइनस का, तो टोटल चार्ज कितना? 0। एंड फोटोन इज अ मासलेस चार्जलेस पार्टिकल, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो चार्जलेस है इसका मतलब 0 चार्ज है। तो इस प्रोसेस के अंदर शुरुआत में भी चार्ज 0 होता है और फाइनली भी चार्ज 0 होता है, ये ध्यान में रखिएगा। और दोनों जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करते हैं और एक एनर्जी रे को बाहर निकालते हैं। ठीक है, दैट इज गामा पार्टिकल, उसका एनर्जी कितना है? 1.02 MeV। ठीक, समटाइम्स ऐसा 2 गामा पार्टिकल भी लिखा हुआ होता है, या गामा + गामा पार्टिकल भी लिखा हुआ होता है, कुछ बुक्स में ऐसा गामा + गामा भी लिखा हुआ है। ठीक है,
तो उसको आधा आधा कर लो, एनर्जी को डिवाइड कर लो, 1.02 में 2 का डिवाइड दे लो बच्चों, कितना आएगा शायद देख लीजिएगा, शायद 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ठीक है, तो दूसरे के साथ में 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख लीजिएगा, 2 का डिवाइड देना और कुछ नहीं करना। तो आप तो इतना ध्यान रखो, ये दैट इज सिंपल है ना, क्वाइट सिंपल, दैट इज एनिहिलेशन। ओके, तो समझ में आ गया होगा चार्ज कंजर्वेशन। एंड द ऑलमोस्ट लास्ट वन एंड इंपॉर्टेंट वन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ओके, वन मोर प्रॉपर्टीज रिमेनिंग आफ्टर दैट। ओके, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है बच्चों, क्वांटाइजेशन तो समझिए, इसका एक एग्जांपल देता हूँ। आप मार्केट में जाओ, मार्केट में जाने के बाद में आपने कोई चीज परचेज करी, ठीक है, और वो चीज लेट्स सपोज करो एक पार्ले जी बिस्किट ही है, 5 रुपये का आता है मेरे हिसाब से, है ना। तो आपको क्या देना पड़ता है, आपको उसे 5 बक्स देने पड़ते हैं, शॉपकीपर को 5 बक्स दोगे तब जाके वो आपको क्या देगा, अब पार्ले जी बिस्किट देगा। तो आप या तो उसे 5 का नोट दे दोगे, अदरवाइज आपके पास में कॉइन्स है तो आप क्या दोगे, सबसे मिनिमम कॉइन आपके पास में कौन सा है, आजकल तो अब 1 रुपये का ही है, ठीक है, 50 पैसा बंद हो चुका है इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक। तो 1 रुपये दोगे और 1 रुपये के आपको कितने कॉइन देने पड़ेंगे, 5 कॉइन्स देने पड़ेंगे। तो आप मिनिमम से मिनिमम अगर उसको मनी देना है शॉपकीपर को, तो आप मिनिमम से मिनिमम कितना रुपये दोगे, 1 रुपये तो दोगे ही दोगे, ठीक है। और 1 रुपये के मल्टीपल में फिर आपको उसको क्या देना पड़ेगा, अमाउंट देना पड़ेगा। सो द अमाउंट विच कैन बी ट्रांसफर्ड बाई यू शुड बी मल्टीपल ऑफ 1 रुपी, ठीक है। अगर आपको उसको 100 रुपए देने होते तो आप क्या कर सकते हैं, 1 मल्टीप्लाइड विद 100, ऐसा ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज जो है दैट इज क्वांटाइजेशन। इफ अ थिंग इज नॉट कंटिन्यूस, कोई लगातार नहीं है, जैसे आपके पास में 1.1 रुपी नहीं है या 1.2 रुपी नहीं है, आप नहीं दे सकते 1.2 रुपी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि 1.1 रुपी नहीं दे सकते, 1.2 रुपी नहीं दे सकते, इवन 1.9 रुपी भी नहीं दे सकते, हम या तो उसे 1 रुपी देंगे या फिर 2 रुपीज देंगे, ठीक है। तो हमने बोला कि ये क्वांटिटी मनी, मनी इज अ डिस्क्रीट क्वांटिटी इन दैट सेंस, ठीक है। तो हमने बोला कि मनी 1 हो सकता है, 2 रुपये हो सकता है, 3 रुपये हो सकता है हमारे लिए, जो ट्रांसफर किया जा सकता है, समझ रहे, जो ट्रांसफर कर रहे हैं हम, है ना, फिजिकली दे रहे हैं किसी चीज, ठीक। तो ऐसे ही चार्ज भी होता है बच्चों, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप चार्ज देखोगे ना बच्चों, तो या तो उसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज होगा, या 3 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज होगा, ये हो सकता है 3 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज हो, 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज हो, या 1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज हो, या 10 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज हो। लेकिन आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि ऑब्जेक्ट के पास में 1/2 नेगेटिव चार्ज है या 1/2 इलेक्ट्रॉन है, नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है ना। आपने जब चार्ज दिया तो या तो आप लिखोगे 1 इलेक्ट्रॉन दिया, या उसको 2 इलेक्ट्रॉन दिया, या 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसी तरीके से आप ट्रांसफर करते हो, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि हमने 1/2 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर दिया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। हम क्वार्क्स के इनकी बात नहीं करते, 1/3 इलेक्ट्रॉन एंड 2/3 इलेक्ट्रॉन क्वार्क में आता है, लेकिन उसकी बात छोड़ दो, ठीक है। अपन तो इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें, तो हम बोल रहे हैं कि मिनिमम से मिनिमम अगर किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज ट्रांसफर करना है, तो वो कितना चार्ज ट्रांसफर कर सकते हो आप, 1 इलेक्ट्रॉन के अमाउंट के बराबर चार्ज ट्रांसफर कर सकते हो, इससे कम चार्ज ट्रांसफर करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब मिनिमम से मिनिमम इतना चार्ज तो ट्रांसफर करना पड़ेगा ही पड़ेगा। कोई आपको बोले कि क्या इतना चार्ज ट्रांसफर किया जा सकता है, इज इट पॉसिबल टू ट्रांसफर 1 × 10⁻¹⁹ कूलम, नो इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये नहीं पॉसिबल है। मिनिमम से मिनिमम इतना चार्ज तो ट्रांसफर करना ही पड़ेगा, और फिर इसके मल्टीपल में ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके मल्टीपल में आपको क्या करना पड़ेगा, चार्ज को ट्रांसफर करना पड़ेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो अगर मैं इस चीज को कॉन्सेप्ट बना करके चलूं और क्वांटाइजेशन को डिफाइन करूं, तो हम बोलेंगे द टोटल फ्री चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट, द टोटल फ्री चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन,
ठीक है, वो किसका इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, दैट इज क्वांटाइजेशन। ठीक है, वेयर ई इज 1.602 या 1.6 आप लिख लीजिए इंटू 10^-19 को। ठीक है, इतना चार्ज तो देना पड़ेगा, है ना। इसे और कैसे लिख सकते हैं? पहला, द टोटल फ्री चार्ज अवेलेबल ऑन अ ऑब्जेक्ट should be integral multiple of charge of electron. दूसरा पैटर्न क्या है क्वांटाइजेशन को लिखने का? The minimum charge which can be transferred or the charge which can be transferred from one body to another body should be integral multiple of charge of electron. ठीक है, आपस में किसी ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर करने के लिए जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो वापस से फिर ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो गया किसके अंदर? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के। एन की वैल्यू क्या पॉसिबल है? एन की वैल्यू 1 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, 3 पॉसिबल है, लेकिन एन की वैल्यू पॉसिबल नहीं है कौन सा? 1.1, 1.2, 1.3, मतलब फ्रैक्शन वैल्यूज और डेसिमल वैल्यूज आर नॉट पॉसिबल। ठीक है, चलिए ऐसा एक क्वेश्चन भी है बुक के अंदर, 0.8 × 10^-19 कूलम्ब चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड और नॉट? Answer is not. It is lesser than this. ठीक है, इसको transfer नहीं कर सकते. It is not possible to transfer this much amount of charge. ठीक है? Okay. So that is quantization of charge. And this is explained by Robert Andrew Mulliker. ये मैंने आपको शायद पहले भी बताया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को किसने डिस्क्राइब किया था एक्सपेरिमेंटली? रॉबर्ट एंड्रू मिलिकर ने। और कौन सा एक्सपेरिमेंट था? दैट वाज मिलिकर ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, है ना। नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट वाज मिलिकर ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो एग्जाम के अंदर वो क्या क्वेश्चन आता है? Which experiment gives the quantized nature of charge? Millikan Oldrop experiment. ठीक है, इससे प्रूफ हुआ था और इसके लिए मैंने आपको बताया था नोबेल भी मिला था मिलिकन को। इसके बाद में ये 1912 के अंदर ऑलमोस्ट मिला था, बुक्स में ऐसा ही लिखा हुआ है। इसके बाद में लास्ट है इनवेरियंस ऑफ चार्ज, लास्ट वन इज इनवेरियंस ऑफ चार्ज। ये बहुत छोटा सा पॉइंट है बच्चों, इनवेरियंस ऑफ चार्ज क्या होता है? हम बोलते हैं चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इट मींस द वैल्यू ऑफ चार्ज डज नॉट चेंज विद द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि लेट सपोज करो हमारे पास में 10 माइक्रो कूलम्ब चार्ज है और ये वाला ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास वे स्टेशनरी है। क्या है? स्टेशनरी है, रुका हुआ है। और यही चार्ज ऑब्जेक्ट जो है वो 100 मीटर पर सेकंड के स्पीड से दौड़ रहा है, या 100 ना मान करके मैं बोल रहा हूं कि 10^7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है, बहुत तेज दौड़ रहा है ना, बहुत तेज चल रहा है, स्पीड आता है। ठीक, तो हमने बोला कि अगर ये ऑब्जेक्ट स्टेशनरी होता और यही ऑब्जेक्ट अगर स्पीड के अंदर होता, स्पीड बहुत ज्यादा होती, दोनों केस में जब आप उस ऑब्जेक्ट का चार्ज मेजर करते तो दोनों ही केस में चार्ज की वैल्यू सेम रहती, चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होती। दैट इज इनवेरियंस ऑफ चार्ज। चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इट मीन्स द चार्ज ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट शुड बी द चार्ज ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, सेम मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। ऑब्जेक्ट विच इज इन मोशन भी आप लिख सकते थे, तो ये चीज ध्यान रखना, चार्ज ऑफ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चार्ज ऑफ अ ऑब्जेक्ट इन मोशन। ठीक, दैट इज इनवेरियंस ऑफ चार्ज। अब यहाँ पर ये चीज बताने की क्यों जरूरत पड़ गई बच्चों? इस चीज को बताने के लिए सिर्फ और सिर्फ यही कारण था कि जब हम मास की बात करते हैं और कोई ऑब्जेक्ट अगर इस स्पीड से दौड़ रहा हो, स्पीड अप होगा ना, 10^7 मीटर पर सेकेंड से चल रहा हो, दौड़ रहा होगा, वैसे तो चलेगा कहाँ से। ठीक, तो उस केस में क्या होगा बच्चों? उसका मास इंक्रीज हो जाता है। ये आइंस्टीन ने अपने रिलेटिविटी थ्योरी से प्रूफ किया था, है ना। आइंस्टीन ने अपनी रिलेटिविटी थ्योरी में एक फॉर्मूला दिया
m is equals to m naught divided by 1 minus v square upon c square. If an object is moving with a very high speed comparatively to the speed of light, है ना, स्पीड ऑफ लाइट कितनी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड, इतनी स्पीड के आसपास में अगर कोई ऑब्जेक्ट, इसे थोड़ा सा कम से भी अगर ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट का एम नॉट अगर रेस्ट मास है, तो मूविंग मास जो है वो उसके रेस्ट मास से थोड़ा सा क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा. किसने बताया था? आइंस्टीन ने बताया था. सो द मास ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट is greater than the mass of stationary object. इस चीज को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है? ये किसने बताया? आइंस्टीन ने बताया. इसलिए ध्यान में रखिएगा, चार्ज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन मास के ऊपर इफेक्ट पड़ जाता है. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है स्पेसिफिक चार्ज का. ये अपन ने पढ़ा नहीं है, स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? देखो, स्पेसिफिक चार्ज इज द रेशियो ऑफ चार्ज विद इट्स मास, क्यू बाई एम, ठीक है? तो क्वेश्चंस आप समझिएगा क्या आता है. व्हाट इज द इफेक्ट ऑन मोशन, सॉरी व्हाट इज द इफेक्ट ऑन चार्ज मास एंड स्पेसिफिक चार्ज इफ अ ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, ठीक है? तो क्या होगा, चार्ज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि चार्ज इंडिपेंडेंट है. मोशन से मास इंक्रीज हो जाएगा, जबकि स्पेसिफिक चार्ज, देखो अगर मास इंक्रीज हो रहा है तो स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा बच्चों, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है? ये ध्यान में रखिएगा. और वैसे स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है ये मैं बता देता हूँ लास्ट में. इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज होता है 1.76 × 10⁻¹⁰ कूलम पर केजी क्यू बाय एम, ठीक है? माइनस का 11 मत कर लीजिएगा बच्चे, माइनस का 11 कर जाते हैं कि सारी इलेक्ट्रॉन के लिए पावर नेगेटिव चल रही, तो ये पॉजिटिव कैसे हो सकती है? नहीं बच्चों, वो पॉजिटिव आएगा, आप करके देख लीजिएगा, ठीक है? क्यू बाई एम फॉर इलेक्ट्रॉन इज 1.76 × 10⁻¹⁰ कूलम पर केजी. सो दैट इज ऑल अबाउट द चार्ज, ठीक है? मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा. अब ये चीजें बच्चों बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनेगी. कब बनेगी? जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ने की कोशिश करेंगे, कूलम्स लॉ को पढ़ने की कोशिश करेंगे, तब ये चीजें बहुत अच्छे लगने लगेंगी, ठीक है? वीडियो को एंड तक देखें, आपके लिए ही अच्छा होगा. हैव अ गुड डे, टेक केयर.